الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنہیں سرکار دے دیوانے بیٹھے ہو بابا سے بلند پڑھو الصلاتو جنہیں حالے تک نہیں پڑھے میں انہوں بھی دعوت دین لگا خاموش نہ رہے آواز بلند پڑھے الصلاۃ جدوں سایہ ਕਰੀ ਹੋਵਲ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਗਲੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਨਾ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਦੁਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਏ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਾਤ ਪੜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਆਈਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਹੈਂ اگر اللہ پاک نو یہ جملہ پسند آ گیا تیرے منہ چوں نکلیا ہویا یہ درجہ قبولیت تے فائز ہو گیا تے تینوں ہر چاہی رہی کی ایک بری درود پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جدوں سایا خری ہوول مدینے دی گلی ہووے ایک آواز نہ پیار محبت نہ سارے بولو ذرا جدوں سا آ خری ہو مدینے دی گلی ہووے رب کائنات نے واضح فرما دیتا ہے کلو نفس نے ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت نو چکھنا ہے مر جانا ہے
किसे दा बाप दुनिया छोड़ के चला गया, किसे दी मां दुनिया छोड़ के जा रही है, किसे दा भाई दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, किसे दा बेटा दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, किसे दा ताया दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, किसे दा मामू दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, किसे दा खालू दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, किसे दा चाचू दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, किसे दा यार दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयो, एक वेला आना है असं इस फानी दुनिया नु छोड़ के चले जाना है। अज इस प्यारी प्यारी सोहनी महफिल च बह के ये दुआ मंगने मौला, जदों वक्त अखीर होवे साडे जिस्म चों जान जांदी होवे, असीं इस महफिल च बह के तेरी बारगाह च ये दुआ मंगने आ, जदों साया अज सजदात चुके आ खुदरा, जदों साया करी होवे मदीने दी गली होवे। अल्लाह ही उन्हूं सलामत रखे जिहड़ा सरकार दे शहर विच मरण दी तड़प रखदा है। खोदरा जदों साया करी होवे मदीने दी गली होए, जदों साया खरी हो मदीने दी गली हो वे, जदों साया खरी हो मदीने दी गली होवे, नबी दी पा लफ्ज देखो किड़े प्यारे ने, नबी दी पा चौखड़ ते खत्म जिंदगी होवे। मिलके बोलो जरा, जदों साया करी हो मदीने दी गली होवे, जदों साया करी हो मदीने दी। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक दी हमद सुना तो बाद हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम इमाम अल-अंबिया शबे असरा दे दूला सैयदुल अंबिया फखरुल अंबिया सनदुल अंबिया खतीबुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी पाक तय्यब ताहिर अरफा आला बारगाह दे अंदर बसद इज्जो नियाज हदिया अकीदत पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो दोस्तो अजीज नौजवान साथियो अजीज भाइयो, अज दी ए पकीजा महफिल मेरे भाइयों ने बड़ी अकीदत नाल, बड़ी मुहब्बत नाल, बड़े शौक नाल, बड़े शौक नाल हर साल की तरह अज भी इसका इनेकाद किया। मैं दुआ करना मेरे जितने भी भाई अली रजा है और इन्हों के बरादरान जिन्होंने मिल के इस महफिल को बनाया सजाया, अल्लाह इन्हां नौजवानों दियां जिंदगियां च बरकतां अता फरमाए, अल्लाह इन्हां दी ए काविश ए मुहब्बत ए खलूस अपनी बारगाह कबूल फरमाए। और तुसीं जिन्ने हज़रात आए बैठे हो, जिन्ने कदम चल के आए हो, मैं मिंबर रसूल ते बैठ के दुआ करना मेरा मालिक मेरा खालिक तुहानू सारयां नू हर कदम के बदले करोड़ां नेकियां अता फरमाए। अल्लाह तुहाडा हाजिर होना भी कबूल फरमाए, अल्लाह मेरा हाजिर होना भी कबूल फरमाए। और अज की इस पकीजा महफल नू अल्लाह साढ़े वास्ते जरिया निजात बनाए। अजीजा निगरामी वक्त काफ़ी बीत चुकी है, मेरे तो बाद भी यकीनन यह सिलसिला जारी सारी रहेगा। मैं इंशाल्लाह मेरे भाइयों ने मैंने हुक्म किया, मैं पहली मरतबा थोड़ी इस महफल का हिस्सा बनिया। वैसे गुजरा वाला तो मैं मैनू आप नहीं याद मैं कितनी कि वारी आ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ी इस महफल के अंदर पहली मरतबा हाजिर हो रहा।
अल्लाह मेरी हाजरी कबूल फरमाए, अल्लाह तुहाडी हाजरी भी कबूल फरमाए। बस मैं टू दी पॉइंट चीदा चीदा दियां चंद बातां तुहानू सादा सादा दियां गल्लां सुनाणियां ने ताकि तुहाडे भी ज़हन नशी कोई ना कोई गल रह जाए, तुहाडा आन दा मकसद भी पूरा हो जाए ते मेरा कामों की तो आन दा मकसद पूरा हो जाए। एक बड़ी मुहब्बत ना कहो सारे सुभान अल्लाह माशाल्लाह, हुण सलूक ना कहो सुभान अल्लाह नहीं हाले ऐ विचली नुक्कर जी ना विचले बंदे ये नहीं बोले, जरा सारे बोलो सुभान अल्लाह। तुसा शायद मेरे लफ्जा ते गौर नहीं किया, मैं क्या सलूक ना कहो सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कम अज कम कोई बाहर आने वाले बंदे नूं पता लगे ना तुहाडा किन्ना कि सलूक है। अल्लाह तुहानूं सलामत रखे, तुसी सारे सलूक वाले क्यों हुज़ूर दे जिक्र विच आ गए। अल्लाह तुहाडी खाली झोलियां अपनी रहमत नाल मालामाल फरमाए। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के आना, नबी पाक अली सलाम दे जिक्र दी महफिल दे अंदर जिहड़ा आ जांदा है ना, बस नीयत सही होवे, कशकोल अपना सही रखे, भांडा सीधा रखे ते खैर पाई जाती है। बस बंदा अकीदत नाल बैठे ना, पूरी मुहब्बत लैके पूरी चाहत लैके बैठे ते बंदा खाली नहीं जाता, बल्कि ये चुके असी ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे जिक्र वास्ते आए हैं ते जिथे अल्लाह और उसके रसूल दे जिक्र की महफिल होंदी है, अलामा साहब तशरीफ फरमाने इन्हां नूं पुछो उत्थे ते अल्लाह की रहमत दे फरिश्ते भी आ जाते हैं, उत्थे ते अल्लाह की रहमत दे फरिश्ते भी आ जाते हैं। तो मैं दुरान खुतबा कुरान मजीद बुरहान रशीद विचों चंद अल्फाज तिलावत किए ने, मफहूमन इहदा तर्जमा समाप्त फरमा लो। रब्बे कायनात जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, एक उसूल दिता जा रहा है, ऐ जमाने वालियो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा कलिमा इंज पढ़िया जी जिवें उन्हां लोकां ने पढ़ के विखाया है, मेरे महबूब अली सलाम नूं इंज मन्निया जे कमा आमन नास जिवें उन्हां लोकां ने मन्निया है। इस तों मुराद तमाम मुफस्सरीन ने बिल इतफाक लिखिया कि इहदे तों मुराद नबी पाक अली सलाम दे सहाबा ने, कौन ने बोलो हजूर दे सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। फिर इहदा मतलब यह बनिया, मैं होर अगर सादा करके इहनूं तुहाडे सामने रखा जौक की दुनिया के अंदर तो मैं जुमला बना के इवें कह लेना, नाले तुहाडा जौक का लैवल भी चैक हो जाएगा, तुसीं सुभान अल्लाह किवें आंदे हो। अल्लाह फरमांदा है मेरे यार नूं इंज मन्निया जे जिवें यार नूं यार दे यारां ने मन्निया है। उच्ची बोलो दा सुभान अल्लाह, मेरे यार नूं इंज मन्निया जे जिवें यार नूं यार दे यारां ने मन्निया है। इंज कह लो अल्लाह फरमांदा है मेरे महबूब नूं इंज मन्निया जे जिवें अबू बकर सिद्दीक ने मन के विखाया है, इंज मन्निया जे जिवें उमर फरूक ने मन के विखाया है, इंज मन्निया जे जिवें उस्मान गनी ने मन के विखाया है, इंज मन्निया जे जिवें अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने मन के विखाया है, इंज मन्निया जे जिवें अबू हुरैरा ने मन्निया है, इंज मन्निया जे जिवें सलमान फारसी ने मन्निया है, इंज मन्निया जे जिवें साद बिन अबी वकास ने मन्निया है, इंज मन्निया जे जिवें अबू उबैदा बिन जर्रा ने मन्निया है, इंज मन्निया जे जिवें बिलाल हबशी ने भखदे कोयले जुबान ते रख के मन के विखाया है। जिन्हूं समझ आ रही उच्ची कवे सुभान अल्लाह यार, गल सुनो खतरा तो नहीं किसी का, कोई डर तो नहीं, हुण ते कोरोना की तीजी लहर भी आ गई है ते डर तो नहीं जे गए। तो मैं जिते भी जाना ना अजकल मैं आना हुन्ना तुसीं इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह क्या करो, तुहाडी सुभान अल्लाह की आवाज सुन के ये लहर वापस दौड़ जाए, कहो हवाला सुभान अल्लाह, उसकी सारी पूरा पंडाल बोले सुभान अल्लाह। कई बंदे बड़े पक्के होंगे ने, वो आते ने असा भी सुभान अल्लाह कहनी नहीं, तो फिर मर्जी है ना थोड़ी यार, अल्लाह रसूल के जिक्र वास्ते सियासी जलसा होवे तो असी बाहां चुक चुके नारे मारने, जो अल्लाह रसूल के जिक्र की वारी आवे तो फिर असी शरमाइए, इतनी गज के क्या करो सुभान अल्लाह। मैं बड़ी प्यारी तुहानू गल सुना रहा और कुरान और हदीस की रोशनी च सुना रहा, मैं एक अकीदा दे रहा कि कुरान आंदा है मेरे महबूब अली सलाम नूं इंज मन्निया जे जिवें उन्हां लोकां ने मन्निया है। वो लोग कौन ने,
والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار انج منیا جے جویں مہاجرین تے انصار نے منیا ہے کون مہاجرین اے بھی حضور دے صحابہ نے یعنی مطلب اے دا اے بندا ہے کہ انج منیا جے جویں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے میرے محبوب دا پیار لے کے میرے محبوب دا عشق لے کے تے میرے محبوب دے جانشار صحابہ نے محبوب دی خاطر نہ اپنا گھر ویکھیا نہ اپنا وطن ویکھیا हर बंदे नू अपना वतन प्यारा होंदा है हर बंदे नू अपना घर प्यारा होंदा है हर बंदे नू अपना इलाका प्यारा होंदा है लेकिन सहाबा ने नबी पाक अली सलाम दी मुहब्बत दे अंदर ओ मक्का जिथे उन्हां दी पैदाइश होई जिथे उन्हां दे घर सन जिथे उन्हां दे बाप दादा दे उन्हां दे घर सन उन्हां दी निशानियां मौजूद सन नबी पाक दे सहाबा ने सदके जावां उन्हां जान इशारा तो किन्नी मुहब्बत से उन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह रसूल दी उन्होंने नबी पाक अली सलाम दी मुहब्बत दे अंदर अपना घर भी कुर्बान किया अपना वतन भी कुर्बान करके वहां छड़िया अर्ज किया सोने तन मन धन हर शायद कदमों तो कुर्बान करके विखा देंगे ये गल याद रखिया जो उन्ना चिर बंदा ईमान वाला ही नहीं जिन्ना चिर कायनात हर शायद नालों ज्यादा अल्लाह के नबी ना प्यार ना करेगा नबी पाक ने सलाम दी हदीस से वाज़े फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन उन्ना चिर कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता जिन्ना चिर अपनी औलाद सारी कायनात अपनी जान नालों ज्यादा जिन्ना चिर मेरे महबूब ना प्यार ना करोगे उन्ना चिर कोई बंदा ईमान वाला हो सकता बल्कि ये लफ्ज़ ते हुज़ूर ने खुद कहे ने कि जिन्ना चिर कायनात दी हर शै नालों ज्यादा मेरे नाल मुहब्बत नहीं करोगे उन्ना चिर ते ईमान वाले ही नहीं बाज बंदे नमाज़ां ते पढ़दे ने रोजे ते रखदे ने सदका खैरात करदे ने अल्लाह अल्लाह ते करदे ने हज ते उमरा करदे ने मगर नबी पाक अली सलाम दी मुहब्बत तो बगैर करदे ने साहिबो नमाज ओदी कबूल होनी है जिहदे दिल विच कमली वाले दा प्यार होना है रोजे ओदे कबूल होने ने जिहदे दिल विच कमली वाले दा प्यार होना है हर इबादत ओदी काबिल कबूल है जिहदे दिल विच अल्लाह दे नबी दा प्यार है जे अल्लाह दे नबी दी मुहब्बत नहीं ते फिर किसे शायद दा फायदा उच्चे बोलो किसे शायद दा फायदा ते सहाबा ने ऐ ते सानू सिखाया है और ऐ ते कुरान सिखा रहे है लोगो जिस तरह मेरे महबूब दे गुलामा ने मेरे महबूब दे सहाबा ने मेरे नबी ने प्यार करके दिखाया है तुसी भी इंजी प्यार करिया जे अकीदत होवे ते सहाबा जैसी बोलो यार अकीदत होवे ते सहाबा जैसी अकीदा होवे ते सहाबा जैसा मुहब्बत होवे ते सहाबा जैसी चाहत होवे ते सहाबा जैसी उल्फत होवे ते सहाबा जैसी इश्क होवे ते सहाबा जैसी कमली वाले नाल वफा होवे ते सहाबा जैसी और इस गल ते अंग्रेज ने भी रिसर्च की उन्हें बड़ा रुपया खर्च किया तहकीक की उस आखिया ऐसी केड़ी चीज है जिड़ी सानू मुसलमान ते फाते नहीं हो देंदी ऐसी केड़ी चीज अंग्रेज ने जो रिसर्च की ना तहकीक की इस नतीजे ते आया उन्हें आख्या इको ही गल मुसलमान के दिलों चो ना इन्हों के नबी की मुहब्बत को कढ़ दियो तो फिर असी इन्हों काबू पा लाँगे फिर असी इन्हों फतह कर लाँगे इन्हों शिकस्त दे लाँगे यानी अंग्रेज भी इस गल ते आ गया कि इन्हों के दिलों च इन्हों के नबी की जड़ी मुहब्बत है ना आ देखो ना तुसी आए बैठे हो कादे वास्ते आए हो हजूर की मुहब्बत वास्ते आए हो ना बोलो तो सही मेरे भाई हर साल महफिल करते हैं क्यों करते हैं इन्हों हुकूमत वालों जो ना कोई पैसा मिलता है या कोई इलाके के एम पी एम एन ए पैसे देंगे दे क्यों करते हैं इस वास्ते मदीने वाला नबी साढ़े ते राजी हो जाए बोलो तो सही सुभान अल्लाह जिन्हों मेरी गल की समझ आ रही उच्ची कवे सुभान अल्लाह बार रजीदा ने गदामी बाद दूना निकल जाए सही महफला कर लिया का दवासे साढ़े आका साढ़े दराजी हो जान इस वास मेरे भाइया ने हर साल महफल सजाते ने उलमा बुला नत खान बुलाया तो बुलाया मैनू बुलाया का दवासे आखे आ जाओ सारे रल के इकट्ठे होके यो आखिए तेरा खावा मैं तेरे
गीत गाया ऐसा हाथ खड़ा करो जरा एनु झंडा बनाओ अल्लाह थोड़े बाजू सलामत रखे असे जवाले सारे को झंडा बना के आखो जरा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह जिन्हों आंदा है वो जरूर पढ़ेगा आखो जरा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा शेर वो शुरू किया जड़ा बच्चे बच्चे नू याद है ते फिर को बंदा आखे ना मैनू नहीं आउंदा ते झूठ बोलेगा आउंदा हर बंदे नू आखो जरा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा माशाल्लाह माशाल्लाह दिल खुश हो गया राजी हो गया जिन्ना नशे चुकी हाथों ना भी चुक लिया जेड़ा हुजूर दे नाम दे हाथ चुकदा है पिया मैं दुआ करना आउण वाला रमजान मदीने का मुसाफिर बन जाए मिलके आखो जरा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा मिलके बोलो जरा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह भावे कुठड़ी ते बैठा भावे कु खलोता है हर बंदा हुजूर दा नाम लवेगा एहो ही आखेगा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल मिला दिन मैं क्यों ना मनावा यार रसूल अजीदाने गिरामी बार दूर ना निकल दे असी ये महफिल कादे वास सजाने आ और एक गल याद रखे यारे जदो किसे कम नहीं होना जदो यार यारन छोड़ जावेंगे भाई भाई नु छोड़ जावेगा बेटा बाप नु छोड़ जावेगा बाप बेटे नु छोड़ जावेगा कोई बंदा कम नहीं आवेगा यामत दा दिन होवेगा जदो कोई बंदा कम नहीं आवेगा असी उस लजपाल आका दा ना लै रहा जदो सारे रिश्ते नाते टुट जाने ने जदो सारे रिश्ते नाते टुट जाने ने मेरे आका गम खार आका लजपाल आका सर सजदे विच रखिया होना है एहो दुआ मंगदे होने मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनाहगार है यारो कदी गौर टकरिया करो ना नबी पाक अली सलाम पैदा होए ने ते उम्मत वास्ते दुआवां कर रहे ने जवानी गुजरदी है उम्मत वास्ते दुआवां कर रहे ने तरीखा पढ़ के वेखो किताबा पढ़ के वेखो गारा विच जा जा के अल्लाह दे नबी तेरे मेरे वास्ते रोंदे ने पे बल्कि मुसलमान भाईओ मैनूं ओह वी गल याद है जदों मेरा दी रात आई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज तज के दूल्हा बने ने जदों जबरील सलाम नाल कीता सोणिया ऐ बुराक सवारी आ गई है नबी पाक ने सलाम सारी तैयारी करके जदों बुराक ते सवार होण लगे ने कदम रखिया नाल ही पिछा हटा लिया कदम पिछा हटा के मेरे नबी दी अखां चों आंसू जारी हो गए चश्मा ने मुबारक तर हो गईयां जबरील सलाम कर देने मौला तेरे यार दी अखां चों आंसू जारी हो गए ने तेरे नबी दी अखां नम हो गईयां ने रब्बे कायनात ने फरमाया जबरील मेरे यार नूं पुछ सोणिया तेरियां अखां चों आंसू क्यों जारी ने हालांकि अल्लाह दी शान है वे इल्लाहू अलीम बिदात सुदूर अल्लाह दिल विच पैदा होने वाले ख्यालात नूं भी जानदा है अल्लाह फरमांदा जबरील मेरे यार पुछ सोणिया मजाक दे काजल वालिया तेरी अखां चों आंसू क्यों जारी ने मेरे बुजुर्गो मेरे दोस्तो मेरे भाईओ अपना घर बार छोड़ के आने वालो कौन सुनिया जे नबी पाक अली सलाम दी बारगाह अंदर जबरील सलाम ने कीता आखा तोड़े अखां चों आंसू क्यों जारी ने मेरी सरकार ने की जुमला बोलिया फरमाया जबरील
अज मैं लमका ते जाना है, अज मैं अरसा ते जाना है, मेरे वास सवारी पूरा काया है, मैनू उम्मत याद आ गई है, मैनू उम्मत याद आ गई है, जो कयामत दिन होना है ते पुल सिरात तो गुजरन दा वेला होना है, ऐ जबरील तलवार नालों ज्यादा तेज, तलवार नालों ज्यादा तेज, वाल नालों ज्यादा फरीक पुले, मेरी उम्मत आज मेरे वास्ते ते सवारी लेके आए, जबरील मेरी उम्मत लई केड़ी सवारी लेके आएगा, जदों इन्नी गल होई है जबरील सलाम, लोगो जरा मलक सच सामने रखो ना, साडे आका किहदे वास रो रहे ने, मेरा ते दूल्हा बने ने, दूल्हा बन के नबी नू तेरा मेरा ही ख्याल है, नबी नू तेरा मेरा ही ख्याल है, उस वेले भी सरकार ही कह रहे ने ऐ जबरील अज मेरे वास्ते सवारी लेके आया है, जदों मेरी उम्मत दा गुजर होना है उदों केड़ी सवारी लेके आएगा, उदों केड़ी सवारी लेके आएगा, ताई ते ताजदारे गुलड़ा पीर मेरे निसार रहमतुल्लाह ताला ले आप दे पोते पीर नसीर दे नसीर रहमतुल्लाह ताला ले ऐसे नक्शे नु समझ रखिया मंदर बयान किया कलम उठाया या किया किबला हजरत जी बड़ी सोहनी गल की फरमाया कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है जिदा की दे सानू सरकार ने पार लाना है वो हाथ चाके आखेगा कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है कौन है जहरा का वो बाबा है हसनैन का नाना है यार चा कितना राजा आज मैं तुहानू केड़ी गल सुना रहा साडी सरकार तेरे वास रो रहे ने मेरे वास रो रहे ने उम्मती दा विच हक बनदा ना हद चा के एहो आखे जहरा का मैं सदके जावा जेड़ा हजूर दा नाम लै रहा है बच्चे माशाल्लाह आखो जहरा का सैयदा का सैयदा का वो बाबा है हसने ने कलाना है जहरा का वो बाबा है जहरा का वो बाबा है हसने ने कलाना है क्यों ना आखिए एक मैं ही नहीं उस पर नहीं नहीं हाथ चुकी क्या ना है एक मैं ही अल्लाह तो अनुमति ना सिम ला जाए असा उठे जा के नहीं कहना है एक मैं ही नहीं उस पर जमाना है एक मैं ही वाह वाह माशाल्लाह 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 ऐ अगले बंदे बोल पे ने फ्रंट सीट आले माशाल्लाह थोड़ा जे तुसी भी बोलो मजा आ जाए जरा आखो जरा एक मैं ही अमीर मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला ले एहुई ते कहंदे गए ने एक मैं ही नहीं उन पर एक मैं
के मैं जिन्हों मजा आ रहा है क्या असल थोड़े ना मेरा वाह पहला पै रहा है मैं तकरीर करना होना अद्धी तकरीर मैं करना अद्धी आवाम करती होती है असल चुके वाह पहला ना थोड़ा मेरा मैं ना तुहानू जानना ना तुसी मैनू जानदे हो तुहानू नहीं पता है बंदा किवें दा पढ़न वाला है ते मेरे भाई माशाल्लाह तुसी फरमाने स्टेज वाले समझ गए ने ते कदी तुहाडे वल्लों थोड़ा जिहा रिस्पोंस मिले ना ते फिर मैनू मजा आवे जिवें जिवें तुहाडे सुनन दा अंदाज बदलदा जाणा ना इनशाला मेरे सुनाण दा अंदाज भी बदलदा जाणा है। अच्छा एक गल दसो मैं हुजूर दा जिक्र सुना रहा तुहानू ठंड पै रही है जिहनू मजा आ रहा कहो सुभान अल्लाह हाँ खुश होके बोलो सुभान अल्लाह लो बड़ी प्यारी ते बड़ी वड्डी दुआ दे लंगा मिंबर ते बैठ के जड़ा होर उच्ची आखे ना सुभान अल्लाह आज रात जाके चार पाई ते लेट जाए सय्यदा ज़हरा दे बाबा दा दीदार नसीब हो जाए। हाय 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 हुण ये ते मेरे कहने ते आखे जन हुण अपनी मर्जी ना करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी बाबा ए हुण माहौल बणिया तकरीर वाला हुण माहौल बनया माशाल्लाह जी हाँ पढ़िए सारे मिलके जरा। अच्छा ये नात किनू किनू आउंदी है इक मैं की रखी उन पर शेर इन्ना ही इक मैं की रखी उन पर कुर्बान ज़माना माशाल्लाह ते उन सुनाओ वाला किवें दा पढ़दे हो तुसीं पढ़ोगे ठीक है माशाल्लाह वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह ए जड़ा कैमरे तो पीछे पीछे ना इंज लगता जिवें ए इंडिया दे बार्डर वाले बंदे बैठे नाराज तो नहीं हो रहे मोहब्बत ना भी बोलो यार सुभान अल्लाह मैं ते कोई पंजाब दा मेरे ख्याल ना कोई शादो नादर इलाका होगा जिथे मैं नहीं गया पूरा पंजाब घूम मारे है हजारा का मजमा भी हो जो बंदा नुक्कर च लगा हों ना जो आके मैं कड़ा नजर आ रहा मैं तो उन्होंने भी वेख लेना पढ़ता कि नहीं पढ़ता पे तो फिर थोड़े जे बैठे हो मैं तो सिर्फ असल तुम्हें सीधी सीधी तकरीर सुना रहे हैं कि छिद छिद अगे चलीए लेकिन गल कि कुछ मेरा भी तो जौक है ना खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह मिलके आखो ना एक मैं ही नहीं उन पर एक मैं ही नहीं उन पर लफ्ज़ देखो खुदा दी कसम कितने प्यारे ने ये नफले से वास्ते सजाइए इस वास्ते सजाइए असी आण के आखिए एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बानी जमाना जो रबे दो आलम का हजरत बिलाल दा किस्सा ते तुसां सुनिया वे हजारां वरी सुनिया जावेगा जनाबे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गले विच रस्सी डाली होई है मक्के गलियां बाजार घसीटिया जा रहे हैं ओ बिलाल नबी दा नाम लेना छड़ दे नबी दा कलमा पढ़ना छड़ दे हजरत अज एवी बिलाल बिलाल नहीं हो रही दावा करना बड़ा आसान है लेकिन करके विखाना बड़ा औखा है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरी सरकार दा कलमा पढ़े जावे गले विच रस्सी पाई गई है मक्के दियां गलियां बाजार घसीटिया जा रहे हैं मुख्तार कलोनी वाले ओ नक्शा जरा समझ रखिया जे जो बिलाल दे गले च रस्सी पई होएगी गलियां बाजार घसीटिया जाता होगा बिलाल दा मास जड़दा जांदा लेकिन सरकार का नाल ही जांदा
आखरा कितना गल सुने दे मेरी सरकार का नाम ले जाता है सरकार का नाम ले जाते किधर क्यों या दोपहर का वेला होया फिलहाल पाक के जिसम तक कमीज उतार दी गई है नंगे बदन रेत उत्ते लिटा दिता गया गर्म रेत उत्ते मेरे बिलाल लिटा दिता भारी पत्थर सीने ते रख दिता बिलाल नबी दा नाम लाना छोड़ दे लेकिन पढ़ो किताबा बिलाल ने आका दा नाम लाना नहीं छड़िया ऐ नहीं उमैया बिन खलफ गुस्से तंदरान किया दे ओ बिलाल तू मेरे दुश्मन दा नाम लेना है नौकर मेरा है गुलाम मेरा है टुकर मेरे खाने तनखात तेन खरीदिया मैं पैसे तेरे च मैं लाए ने लेकिन तू ना किसी होर दा लेना है मैं तेन छोड़ना नहीं बिलाल माला खाई जांदे नबी पाक दा नाम ले जांदे बिलाल मारा खाई जांदे हुण अगली सदा वेखिया जे की होया मेरे बुजुर्गो मेरे दोस्त मेरे भाईओ अपना घर बार छोड़ के आने वालो गौर ना गल सुनिया जे बिलाल दे वास्ते अग जलाई गई है अल्लाह अकबर कबीरा अग जलाई गई है गर्म गर्म कोयले मेरा बिलाल दी जुबान ते रखे गए बिलाल दी जुबान ते रखे गए उमैया आंदा बिलाल मैं तेरी जुबान सार देनी है जिस जुबान से तू नबी दा नाम लेने बिलाल फिर मुस्कुरा के आंदे ने ओ चला हो गए एक जान की लखा जाना भी हो कमली वाले दे नाम तो वार दे आवा लखा जाना भी हो कमली वाले दे नाम तो वार दियांगा लखा जाना भी हो आका दे नाम तो वार दियांगा मेरे भाइयों मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गो गौर ना अगली गल सुनिया दे गरम कोयले रखे गए बिलाल दी जुबान जल गई बिलाल दी जुबान सड़ गई यार दावे करने बड़े सौखे ने नारे मारने बड़े आसान ने असी भी आमिया हुजूर दे गुलाम असी भी आमिया गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है लेकिन कहना ते सौखा है लेकिन करके वो खाना बड़ा औखा दे अल्लाह की कसम है बड़ा औखा दे मुसलमान भाइयो बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला को जुबान ते कोए रखे गए मेरे बिलाल की जुबान सड़ गई जुबान जुलस गई लेकिन पढ़ो किताबा कमली वाले का शिकर बंद नहीं होया कमली वाले का ना बंद नहीं होया बल्कि लिखन वाले ने इतों तक लिखिया है मारन वाला जिवें जिवें मारता जाता है बिलाल चीची हजूर का ना ले जाता है हजूर का ना ले जाता है यो कही जाता है सोनिया माजा के काजल वालिया वतुहाद मुखड़े वालिया सोनिया ये दिल भी तुम्हारा है हाथ चुके आंखों ने जिला किया है ये दिल भी ये दिल भी तुम्हारा है ये चाबी तुम्हारी है ये दिल भी तुम्हारा है ये दिल भी तुसी भी कहो ये दिल भी ये दिल भी तुम्हारा है ये चाबी तुम्हारी है ये दिल भी बिलाल मारा खा रहे ने नाले सरकार दा नाम लै रहे ने कमली वाले दे गीत गा रहे ने हजरात बड़िया मारा खादिया ने लेकिन सरकार दा नाम लैना नहीं छड़िया फिर मकाम की मिलिया है नबी पाक अली सलाम ने बिलाल काबे दी छत खड़ा कीता फरमाया दुनिया वाले ओ
दसना है साने जरा साडे नाते मारा खांदे असी ओनू काबे दे उत्ते खड़ा कर देने जड़ा साडे नाँ ते मारा खाण वाले जड़ा साडे नाँ ते मारा खाण वाले जड़ा कहण वाला है ये कहण वाला है सदा वसदा रवे तेरा दबारा या प्यार ना बोलो जरा सदा वसदा रवे तेरा दबारा या स्टेज वाले भी हजूर दी नाम पढ़ो आंखों जरा सदा वसदा रवे तेरा दबारा या जिथे हुण ते गुजारा या जिथे हुण ते अल्लाह साहब ने हुक्म किया उन्हें क्या जी एक शेर ओदी उन्होंने फरमाइश की है सुना दे आज जरा थोड़ी जी तबीयत मेरी डिस्टर्ब जी अली भाई दस रहे कह रहे जी चाह पी लो मैं मैं दवाई खा के चाह पी के आ रहा बोलो सुनावा मैं थोनों मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह चलो इत्थे ये बनता भी इसे मुकाम से ही है बिलाले पाक ने जो सरकार ने वफा की है ना मारा खादियां सरकार दे नाम ते ते फिर सरकार ने भी आखिया बिलाल अज काबे दे उत्ते चढ़ जा हैं बिलाल अच्छा बिलाल काबे ते चढ़ाने दा मकसद की सी बोलो ते सही बिलाल नू काबे दी छत ते चढ़ाने दा मकसद की सी मकसद एहो ही सी जमाने वाले नू पता लग जाए कि मुहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं बोलो बोलो सुभान अल्लाह पुत्र बह जा थले ओ चिट्टे सूट वाले बेटा बह जा थले हां जल्दी ते नहीं कोई हां बह जा इकट्ठे जावांगे जरा मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह ये की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं हाय हाय ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे जेड़ा सरकार दा हो जांदा है ना दुनिया ओदी हो जांदी है दुनिया उदी हो जाती है अच्छा कौन जानता सी गाजी इल्मुद्दीन शहीद कौन जानता सी गाजी आमर चीमा शहीद कौन जानता सी अलामा खादम हुसैन रिज़वी एवे जिहड़ा सरकार दा हो जाता है ना फिर कायनात दी हर शै उदी हो जाती है दुनिया हैरान होगी इन्नी दुनिया आ कित्थों गई है वेख्या सा जे जनाजा आपका बोलो तो सही अलामा खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह दा जनाजा वेख्या सा जे ए जे इस बात की दलील जिहड़ा सरकार दा हो जांदा ना दुनिया उहदी हो जांदी है इस मकाम ते हुण शेर हुण सुनावा मैं सरवरे कौन है उची सारी कहो सरवरे कौन है जेड़ा दीवाना हो गया सरवरे कौन है जेड़ा जेड़ा दीवाना
रब्बे काबा तवज्जो रब्बे काबा दी कसम ओदा जमाना हो गया रब्बे काबा दी कसम ओदा काबा दी कसम ओदा जिहड़ा सरकार दा हो जांदा है कहना दी हर शै ओदी हो जांदी है। हज़रात अगर मैं इहदे ते बात करां ते बहुत बात दूर निकल जाएगी, बस इशारा पेश करना चाहना जिहड़ा सरकार दा हो जांदा है कहना ओदी हो जांदी है, बल्कि कहना दी हर शै ओदे नाल वफा करदी है। जिहड़ा कमली वाले नाल वफा करदा है, जिहड़ा नबी पाक अली सलाम दी सच्ची मुहब्बत जिहदे दिल दे अंदर आ जांदी है, जिहदे दिल विच सरकार दी मुहब्बत आ जांदी है कायनात ओदी हो जांदी है। मुसलमान भाईओ तुहानूं मैं सुणिया दे हज़रत सफीना दी अल्लाह तआला को फरमांदे ने, मैं जदों काफले तों जुदा होया जंगल बियाबान है, सोची पिया होया जावां ते किहड़े पासे जावां, परेशान वतन तों वी दूर आ मंजिल दा वी पता कोई नहीं, जावां ते किहड़े पासे जावां। सहाबी रसूल फरमाउंदे ने की होया, मेरी परेशानी मजीद बढ़ना शुरू हो गई। अचानक रहना जंगल दा बादशाह शेर मेरे वल लाना शुरू हो गया। जदों मैं शेर आउंदा वेखिया पूरे जाहो जलाल नाल शेर आ रहा है। जनाबे सफीना फरमाउंदे ने शेर मैं जदों अपने वल आउंदा वेखिया मेरा जिस्म लरसा पर अंदाम हो गया, कपकपी तारी हो गई। हुण मैनूं कौन बचाएगा, दिल विच ख्याल आया ओ सफीना क्यों परेशान है, इनू अपना तारुफ ते करा तू है कौन है। जनाबे सफीना बोल के आंदे ने ओ शेरा खबरदार ख्याल करी, मैं कोई आम बंदा नहीं, मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम आ, मैं कोई आम बंदा नहीं, मैं रसूलुल्लाह दा गुलाम आ, मैं नबी पाक अली सलाम दा गुलाम आ। हज़रात की होया जदों इन्ना तारुफ कराए मैं हजूर दा गुलाम आ, उसे जड़ा हमला करन आया सी जनाबे सफीना फरमाउंदे ने आन के मेरे पैर चुमना शुरू हो गया है। एवे सरवरे कौन दा जेड़ा दीवाना हो गया रब्बे काबा दी कसम ओदा ईमान इवें दा होवे जिवें दा सहाबा दा सी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुभान दे रावी साद ने भी वकास रज़ी अल्लाह तआला फरमा दे रहे मैं नबी पाक सलाम दा कलमा पढ़िया, मैं घर आया, मां कहन लगी बेटा मैनूं पता लग गया तू कलमा पढ़ाया, आख्या हाँ अम्मा मैं हजूर दा गुलाम बनाया, अम्मा मैं हजूर दा हाय 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 मैं हजूर दा गुलाम बनाया। मां कह लगी बेटा गल वे मैं तेरी मां वा, मैं तेनू नौ मां अपने शिकम च रखे, मैं तेनू बड़े नाजा नाल बड़े चावां नाल पालिया, मैं तेरी परवरिश कीती। अम्मा बिल्कुल बेटा मेरे हुकूक ने कुछ हाथ जोड़े जी अम्मा हुक्म ते करो। हुण मां कह लगी मैं तेनू हुक्म करनी आ तो इस नबी का कलमा छड़ दे, बहुत बड़ी बात कर लगी मां। मां कह लगी बेटा मैं तेनू हुक्म करनी तो इस नबी का कलमा छड़ दे। हज़रत साद नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐ तू गल अज कीती है दोबारा ना करी। सहाबी रसूल का अंदाज वेखो जरा, कुरान एवें नहीं आंदा ईमान इंज दा ले आया जे
ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਰ ਛਿੱਟਾਂ ਲੈ ਪਣ ਮਸੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਚੋਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਚੋਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮੁਅਜ਼ਬਾਨਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਿਮਾ ਨਾਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾਂਗੀ ਉਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇਰੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਦਬ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਸ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਮੂਸੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਖਾਨ ਮਾਸੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਤਬਾ ਕਿੰਨੀ ਮਰਤਬਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੀ ਮਰਤਬਾ ਮਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੇਕਿਨ ਏਡਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਮਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਾਨ ਆਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਤਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਵੇਂ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨਾ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਗਵਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਮਾ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਫ ਵਲਾ ਤਨ ਹਰ ਹੁਮਾ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬਿਰ ਹਮ ਹੁਮਾ ਕਮਾਰ ਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬਾ ਨਗ ਫਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਦਈਆ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲ ਜੰਨਤ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਰਾ ਥੱਲੇ ਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਬੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਗਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਲਾ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਨੇ ਵਾਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਮੂਸ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਤਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਏ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਮਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿਆਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਪਰ ਸਿਆਬੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਤੇ ਅਦਾਵਾ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਇਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ
तीन नहीं चार नहीं, हर सहाबी अपनी मिसाल आप, हर सहाबी अपनी मिसाल आप। थकते नहीं जे गए, थक गए, हाथ खड़ा करो जरा जरा थक गया। अच्छा नहीं भाई असना नहीं, असना नहीं, असना हाँ तुसी अल्लाह रसूल दे जिक्र दी महफिल बैठे हो, खुश हो के कहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। मैं जिहड़ी तकरीर तुहानू सुना रहा समझ आ गई कि कोई ना? देखो ना कुरान दे इंज ईमान लेके आया जी जिवें सहाबा ईमान लेके आए। अज बड़ा चुके फितने दा दौर जा रहा है, उलमा तशरीफ फरमा ने सोशल मीडिया नाल अटैच अदरा जड़े नो जानदे ने फेसबुक ते की अज तूफान ने बदतमीजी बपा है। हर बंदा जनाब फेसबुक दा मुफ्ती बनया जिन्नू जो आंदा है ना अगे दा पता ना पिछे दा पता, वो जनाब कमेंट करदा हुंदा कुफर तो थल्ले ते फतवा ही कोई नहीं रहा, हराम तो थल्ले ते फतवा ही कोई नहीं रहा। और फिर ऐसे ऐसे जाहिल बंदे जड़े जे को आलम दीन मुस्तनद तो गल करदा ते थल्ले जनाब लोग गालियां निकाल देंदे, तो फिर यही हाल होना जो मुल्क मुल्क की सूरत हाल बनी है ना साढ़े। मैं ना हुना हुण भी वेला है अपने उलमा की कदर करनी शुरू कर दियो, उलमा नाल प्यार करना शुरू कर दियो, उलमाए हक्का नाल सारियां परेशानियां दूर हो जाएगी। मेरा मेरा ये तजुर्बा है। हुण सूरत आले बन गई है भाई जान, सूरत आले बन गई है कि साढ़े स्टेजा के उत्ते स्टेज साढ़ा है, पैसा साढ़ा है, लेकिन बंदे जड़े ने बजागर नजर आते ने सुननी ते जदों बोलते ने ना तो फिर लगता है ये पता नहीं की शायद है। उलमा समझ गए ने मेरा इशारा, मैं इस पेंडे नहीं जाना चाहता, बस इशारा जरूरी समझना रोशनी चंगे ने तेन किने आखे सारे चंगे ने, नहीं इको ही पासा रहिंदा हीरे या खेड़े या राणे, इको पासे आ या उन्हों का हो जा या साडा हो जा, जे साडा तो फिर साडियां गल्लां कर, फिर साडे स्टेज ते खड़ा ना हो, जे साडे स्टेज ते आए तो फिर वो कलाम पर जरा कुरान के मुताबिक हो, हदीस के मुताबिक हो। समझ आई उची कवे सुभान अल्लाह, असी सहाबा दे कीआं बोलो गुलाम, सहाबा दे कीआं अहले बैत दे कीआं गुलाम, असी अहले सुन्नत व जमात ही पूरी दुनिया की एक ऐसी जमात है जड़ी है ही अदब वाली है। और मैं कल करना हूं ना अल्लाह का शुक्र अदा करया करो सुनियो, अल्लाह ने सानू किसे गुस्ताख ते बेअदब दे घर विच पैदा नहीं किया, कमली वाले दे आशकां दे घर विच पैदा किया। अल्लाह ने सानू हुजूर दे आशकां दे घर विच पैदा किया है, कदी कोई सुननी नहीं वेखोगे जिहड़ा किसे दी बेअदबी करदा नजर आए। वालिदैन रसूल दी गल होवे ते सुननी सुभान अल्लाह कहिंदा नजर आउंदा है, औलादे रसूल दी गल होवे ते सुननी गज के नारा मारदा है, आले रसूल दी गल होवे सुननी खुश हुंदा है, असहाबे रसूल दी गल होवे सुननी खुश हुंदा है। ओए ते रिश्ते बड़े आला ने आदल दसा सुननी दा कीदा है, जिन्ना गलियां चो इमाम अंबिया दा गुदर होया सुननी ते उन्हां गलियां दे कखा नाल भी प्यार करदा है, सुननी ते उन्हां रावण नाल भी प्यार करदा है, उन्हां गलियां ते बाजारां नाल भी प्यार करदा है। माशाल्लाह साडे अस्तेज दी जीनत बड़ी प्यारी शख्सियत फखर सदाद ते सदाद दे ते असी नौकर, सदाद दे ते असी गुलाम आ चुके। मैं वाकिफ नहीं सा, पहली मरतबा ज़ियारत दा शर्फ पाया, मेरी भी खुश नसीबी है, तुहाडी सारे दी खुश नसीबी है। जिस महफिल विच आले नबी ते औलादे अली जलवा फरोज़ होण उस महफिल नूं चार चांद लग जांदे ने।
अच्छा मैं भी महसूस कर रहा हूं रूहानियत मेरी तकरीर का रुख किवें बदल गया है। गज के बोलो दसिया कि हुजूर किबला पीर सैयद इलियास हुसैन शाह साहब आप तशरीफ लेके आए ने आलम मरहबा किबला शाह जी अल्लाह सदात नु हमेशा अपने इना दा साया साडे सिरे ते कायम दायम फरमाए असि ते बचे ही सदात दा सदका वा अर्ज कर रहे असि हजूर की अहले बैत नाल प्यार करवाले हैं हजूर की अहले बैत नाल मुहब्बत करवाले हैं पर सहाबा की अजमत भी नारे मारन वाले हैं असि सहाबा नाल भी प्यार करवाले हैं और मैं अर्ज कर रहा कुराना दे ए जमनो जिवें सहाबा ने मन के बखाए किवें दा सहाबा ने मनिया है बात दूर ना निकल जाए बस मैं आखिरी वाकया सुना के बात खत्म करांगा इजाजत चाहवांगा कुराना दे इंज मनिया जे जिवें सहाबा ने मनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने सहाबा बैठे ने अजान दा वेला हो गया बस थोड़े तो सोग की नजर कर लगा जागते बैठे हो नबी पाक इस्लाम तशरीफ फरमा ने अच्छा मुख्तार कलूनी वाले कि प्यारा समा होगा जो हजूर तशरीफ फरमा हो असी ते वेखो ना 14 सदियों तो बाद बैठे हैं अज हजूर का जिक्र हो रहा है तो दिल बाग बाग हों तस्कीन मिल जाए सुकून मिलता है दिल में तो जो कमली वाले खुद मौजूद हो गए साडा तो कहता हजूर होन भी साड़ी महफिल च मौजूद ने हजूर वेख रहे ने किड़ा किड़ा मेरा गुलाम आया बैठा हजूर नूं पता है यह साडा अकीदा है नबी पाक इस्लाम बज़ाहिर हयात तय्यबा दे अंदर तशरीफ फरमाने सहाबा बैठे ने बस गुफ्तगू करदिया करदिया अजान का वक्त हो गया बोलो बोलो कादा वक्त होया अजान का वक्त हो गया इमामुल अंबिया अलैहि सलाम ने फरमाया या बिलाल हुज़ूर ने हरम में उस वेले आराम फरम तसी फरमाने अजान दा वेला हो गया नबी पाक ने सलाम ने फरमाया ऐ मेरे गुलामो ऐ सहाबा जी आका हुक्म होवे हुज़ूर ने बिलाल पाक वे इशारा करके फरमाया ऐ बिलाल अजान दा वेला हो गया खड़ा हो अजान पढ़ जनाबे बिलाल पाक से ने हरम दे अंदर खड़े ने अजान पढ़नी शुरू होए ने अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अजान पढ़ते जा रहे ने पढ़ते जा रहे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिलाल पाक अज़ान पढ़ते जा रहे ने इधर बिलाल पाक अज़ान पढ़ रहे ने इधर सीने हरम दे बाहर काफरां दे बच्चे खेल रहे ने उन्हें बच्चियां दे अंदर एक नौजवान है जिहड़ा वड्डा मुंडा है जवानी च कदम पिया रखता है कि होया अल्लाह ने उन्हें आवाज हुसन दिता होया है उसकी आवाज बड़ी सोहनी है उसके साथी उन्हें आंदे ने यार तेरी आवाज बड़ी सोहनी है तेरी आवाज बड़ी सुरीली है उन्हें आख्या हाँ मेरी आवाज सोहनी है की करा उन्हें आख्या वेख अज बिलाल अजान पिया पढ़दा है तू बाहर खड़ा होके बिलाल दी नकल उतारदा जा जिवें जिवें बिलाल अजान पढ़दा जांदा है तू भी बिलाल दी नकल उतारदा जा मेरे भाईओ मेरे दोस्तों हुण होया की इधर जनाबे बिलाल अजान पढ़ते जा रहे ने इधर नौजवान बिलाल पाक दी नकल उतारदा जांदा है पिया एक आवाज सुने हरल चो आ रही है एक आवाज बारों आ रही है नबी पाक ने सलाम ने आवाज सुनी हुण आवाज बड़ी सुरीली बारों भी आ रही है नबी पाक ने सलाम ने फरमाया ऐ गुलामो सोना हुक्म होवे फरमाया जाओ इनू लैके आओ ये जड़ा नौजवान अजान भी नकल प्या उतार दे इनू मेरे कोल लैके आओ नबी पाक दे सहाबा गए ने जाके पुछिया ओ बच्चियो तुहाडे विचों कौन है जड़ा अजान की नकल प्या उतारदा सी ओ नौजवान कंबी जा रहा डरी जा रहा कहिंदा मैनू माफ कर दियो अच्छा बाद नकल नहीं उतारांगा नबी पाक दे सहाबा ने फरमाया ओ तेनू कहना कुछ नहीं तेनू मारना नहीं बस तेनू सरकार को लेके जाना है तेनू कहना कुछ नहीं बस तेनू सरकार को लेके जाना है मुख्तार कलोनी वाले ओदे नसीब वेखो ओ किन्ने नसीबा वाला बंदा है जिन्हू सरकार आप बुलांदे ने असी ते रो रो के दुआवां मंगने आ असी आंदियां इस आस पे जीता कह दे मुझे कोई आके चल तुझको मदीने में
सरकार बुला जड़ा जाना चाहता खड़ा करके आखिरा चल तुझको मदीने में सरकार बुला चल तुझको मदीने ओ सुनना जवान सहाबा ने फरमाया रो ना परेशान रहो तेनू सरकार ने बुलाया हजूर को लेके जाने हजरात अगली गल सुनिया दी इश्क वाली की होया नौजवान सहाबा ने ना लिया नबी पाक ने सलाम दे सामने जाके खड़ा कर दिता हजूर ने सलाम ने उस नौजवान वाल वेखिया फरमाया तू अजान की नकल पे उतारना सै हाथ बने हुए ने कहना जी हाँ मैं ही अजान की नकल पे उतारदा सा नबी पाक ने सलाम ने फरमाया जिमें बार खड़ाया के अजान की नकल उतारना रहा है मेरे सामने खलो के मैनू भी अजान सुना फरमाया मैनू भी अजान सुना गल बड़ी मजे वाली होगी जरा मुस्कुरा के सुनिया जे हजूर ने फरमाया जिमें बार खड़ा हो के नकल उतारदा रहा है इवें मेरे सामने खड़ा हो के मैनू अजान सुना कहना आका मैनू अजान आउंदी कोई नहीं अगे ते बिलाल पढ़दा सी मैं उदी नकल उतारदा रहा वा नबी पाक ने सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया परेशान ना हो अगे बिलाल पढ़दा सी तू नकल उतारदा सै हुण बिलाल दा आका पढ़ेगा तू मेरी नकल उतारदा जा फिर बोलो सुभान अल्लाह मैं पढ़ागा तू मेरी नकल उतारदा जा अल्लाह अकबर कबीरा कुर्बान जावा नबी पाक ने सलाम कलिमा दोहरा रहे ने हजूर पढ़ते जा रहे ने अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की मेरे नबी दा अंदाज होवेगा बस सरकार पढ़ते जा रहे ने वो भी पीछे पीछे पढ़ता जा रहा है हजरात हजूर पढ़ते जा रहे ने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वो भी पढ़दा जा रहे है अजान मुकम्मल हुई हुजूर खामोश होए मेरे नबी ने अखां बंद कर लिया कीता मौला नकल तक लियाना मेरा कम सी असल बनाना तेरा कम या अल्लाह नकल तक लियाना मेरा कम सी असल बनाना तेरा कम है हजूर सलातु सलाम दे दिल दे अंदर ख्याल चलदा पिया हजूर सलाम दे ज़हन मुबारक दे अंदर ये ख्याल चलदा पिया मौला नकल तक लियाना मेरा कम सी इन असल बनाना तेरा कम सी कम है हुण हजरात होया कि बस इधर सरकार दे ख्याल आए उधर मेरी सरकार ने अखा खोलिया नौजवान सामने खड़ा है कफीयत बन गई है कफीयत बन गई है दिल की दुनिया बदल गई है रात अखा चू आंसू जारी ने कंबी जांदा रोई जांदा अखा चू आंसू जारी हो गए नबी पाक भी सलाम ने वेख फरमाया ओ नौजवाना अजान ते कदे दी मुक गई है जांदा क्यों नहीं जांदा क्यों नहीं कदमा पाकां विच गिर गया कदम चुमके आंदा सोनिया जावा किथे हुण जान जोगा रिहाई कोई नहीं जावा किथे हुण जान जोगा रिहाई कोई नहीं जान जोगा रिहाई कोई नहीं जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है लुट गया जिसे ने मोहम्मद कदमन चमकिया सुकून कल मिला लसते हयात मिली दरे हबीब मिला सारी का कायनात मिली दरे हबीब
गिर गया सोने, बस हम कलमा पढ़ा के अपना गुलाम बना लो। अगले लफ सुने जो नबी पाक ने सलाम ने उन्हों कलमा पढ़ाया, हूँ कि मजे वाली गल है किबला शाह जी, किसी नु कलमा दाता अली हुजवेरी ने पढ़ाया, किसी नु कलमा बाबा फरीद ने पढ़ाया, किसी नु कलमा मेरे हजरत खाजे खाजगान खाजा नूर मुहम्मद चुराखी ने पढ़ाया। ओदी की शान पुछदे हो जिन्हों कलमा भी कलमे वाले ने आ पढ़ाया है। हुजूर ने आप कलमा पढ़ाया, हुन कलमा पढ़ाया हुजूर ने, आ गए गुलामी रसूल अंदर। हुण नां दसा उन्हां दा की सी, हजरत अबू महजूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। नबी पाक अलैहि सलाम दा कलमा पढ़िया हुजूर दे सहाबी बन गए। नबी पाक अलैहि सलाम ने कलमा पढ़ाया, अपना गुलाम बना लिया, नाम हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हो। बस माइक छोड़न लगा, हजरत अबू महजूरा सरकार की गुलामी च आ गए। हुण जिहड़ा कलमा पढ़ांदा हुंदा सी ना मेरे आका करीम अली सलाम दा, उसी इंज सरकार ने ना सामने वालां ते हथ रख के सरकार ने कलमा पढ़ाया। अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हो आप दा मामूल ही रहा, जदों भी जांदे ने ना कटिंग कराने वास्ते खत अपना हजामत बनवाण वास्ते, ते उन्हों जाके आंदे ने इत्थों भी वाल कट दे, ए भी कट दे, ए भी कट दे, पर ए वाल नहीं कटने। एक वरी गए, दो वरी गए, तीन वरी गए, वो वाल वड्डे हुंदे जा रहे ने। इत्थों तक आ रहे, अल मुस्तदरक पढ़ के देखो, वाल इत्थों तक आ गए, इत्थों तक आ गए, सीने तक वाल आ गए, बल्कि इन्ने लंबे वाल हो गए। हजरत अबू महजूरा जमीन ते बैठते ने, सामने वाले वाल जमीन तक लगते ने, वाल कटाए ही ना। बस सारी गल का खुलासा पेश करके मैं छोड़ लगा, नबी पाक अलैहि सलाम दे ओ गुलाम हजरत अबू महजूरा कुरान दे इंज मनिया जे जिवें सहाबा ने मनिया है। अकीदा सहाबा वाला होवे, अकीदा सहाबा वाली होवे, हुण ओ वाल कटाए ना। सहाबा ने वेखिया, उन्हें आखिया अबू महजूरा गल की है, ए भी वाल बराबर ने, ए भी बराबर ने, ए भी बराबर ने, ए वाल तेरे लंबे ने। हजरत अबू महजूरा मुस्कुरा के आखन लगे, आओ फिर तुहानू दसां इहदा राज की है। आख्या तो राज देवे, जो तो नबी पाक अली सलाम ने मैंने कलमा पढ़ाया सी ना, इत्थे सामने वाला ते हाथ रखिया सी, मैं इस वास्ते चूंकि नबी पाक दे हाथ लगे मैं वाल नहीं कटाए, कितने अल्लाह दे नबी दी निशानी खत्म ना हो जाए, कितने अल्लाह दे नबी दी निशानी खत्म ना हो जाए। और हजरे अगले लफ्ज ने अबू महजूरा कहते ने, मेरा तो ये अकीदा है कबर बिच जाना है ना, फरिश्तियां ने आन के पूछना है अबू महजूरा की अमल लेके आए हैं, तो मैं ए वाल फड़ के आखना है, फरिश्ते की पूछते हो, ऐ वेखो अल्लाह दे नबी दी निशानी जो लेके आया। ये कुरान अंदर इंज मनिया जे जिवें सहाबा ने मनिया, वक्त हुंदा और बासी, बस मैं इन लफ्जां ते इत्तफाक करना, जो सुनिया अल्लाह दी बारगाह च दुआए अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।